बिकार तो आप लोग ने पोस्ट डाली कि ठीक है I know, मैंने देखी हुई है क्या अब तुम्हारा एक थॉट प्रोसेस है और भाभी वहां पर हैं तुम दोनों यहाँ पर हो किस तरीके से काम को लेकर चलोगे देखो कंटेंट वहां से भी बन सकता है कंटेंट यहाँ से भी बन सकता है सिंपल है बेकार फिल्म चैनल तो डिजिटल है ना वहां से पोस्ट करो यहाँ से पोस्ट करो ये बात है तो अब आपको शायद एक फ्रेम पे चार लोग बहुत कम नजर आए बट आपको कंटेंट जरूर नजर आएगा एक फ्रेम पे चार लोग आपको नजर आ सकते हैं वो हमने हैं। हमें पता है कि किस तरह दिखाना है कोविड के दौर में हम लोगों ने अपने घरों से बैठ के एक एक सीन शूट किया शूट किए मैं यूं देख रहा हूँ वहां से वो शूट कर रहा है यूं देख के और हम लोग बातें कर रहे हैं बट वो लोगों को लगा वो एक ही जगह पे नहीं हम लोग अपने अपने घरों में शूट कर रहे थे तो हमें पता है हम लोग किस तरह क्रिएटिव मतलब पार्ट दिखा सकते हैं हर कॉन्टेंट क्रिएटर दुबई क्यों भाग रहे हैं

तमाम यूट्यूबर्स अब आप कह रहे होंगे कि यार इज़्ज़त इनको पाकिस्तान ने दी पैसा पाकिस्तान ने दिया और फिर ये बाहर जा रहे हैं यही तो चीज़ आपको सोचने की है जब एक जगह से इज़्ज़त भी मिल रही है पैसा भी मिल रहा है ब्रांड्स भी तमाम चीज़ें हर चीज़ यहाँ पे मिल रही है तब भी वो क्यों बाहर भाग रहा है और बाहर जाके वो स्ट्रगल कर रहा है उसकी एक वजह है वो है मैंटल पीस जहनी सुकून जो होता ना उसकी चक्कर में तमाम लोग बाहर जा रहे हैं क्योंकि जब आपके पास आप देखते हो यार तमाम चीज़ें पैसा भी आ गया ज़ाहिर सी बात है किसी दौर में नहीं था पैसा अब पैसा भी आ गया तमाम चीज़ आ गई मगर एक चीज़ है सुकून नहीं है अब कोई नीचे कमेंट कर देगा यार नमाज़ पढ़ो तो नमाज भी सब पढ़ते हैं भाई बट वो जो होता है ना एक स्टेट की रिस्पॉन्सबिलिटी होती है सिक्योरिटी देना आपको ज़ाहिर सी बात है सिक्योरिटी नहीं है तो मेंटल पीस कैसा होगा अभी हम आते हैं अभी मैं क्या रहा करूँ मुझे फिक्र है कि गाड़ी गाड़ी बाहर खड़े शीशे ना चोरी हो जाए अच्छा सही है मैं गाड़ी में बैठ गया शीशे बच गए अब मैं किसी सिग्नल पर रुकूंगा तब एक अलग टेंशन कि कोई आ ना जाए शॉपिंग करने सही है घर गया थका हारा घर पहुँचाऊँ लाइट चले गई वो एक अलग टेंशन कि अब आएगी कब लाइट चलो सही है आपका आपके घर में जनरेटर है आपने लगा दिया जनरेटर वो अलग टेंशन इसमें पेट्रोल डालना है सही है तो वो पैसे आपके अलग खर्च हो रहे हैं अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई सोलर पैनल लगवा लो ना तो वो भी पैसों का आता है तो मतलब हम अपनी तरफ से इन्वेस्ट ही किए जा रहे हैं इन्वेस्ट ही किए जा रहे हैं इस्टेट कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखा रहे है। तो ये जो होता है ना देखें ये जो लोग माइग्रेट करते हैं दूसरी कंट्रीज ये पूरी दुनिया में होता है और गुना नहीं है इवन माइग्रेट करना तो सुन्नत है सुन्नत है आपको यहाँ से रोजी नहीं बई क्योंकि अल्लाह ताला ने थोड़ी बनाया पाकिस्तान पा, अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया बनाई है पूरी दुनिया आपकी है आपको जहां रोजी रोजगार मिले आप वहां जाओ जहाँ आपका दिल करे आप वहां जाओ और ये जो स्टेट से जो आपका अग्रीमेंट होता है ना ये टू वे होता है आप स्टेट को दे रहे हो स्टेट आपको दे रहा तो आप ही नहीं देते हर वक्त तो यहाँ पे अभी थोड़े से मसले चल रहे हैं अभी तो आपको यूट्यूबर्स तो दिखते हैं तमाम लोगों को कंटेंट क्रिएटर दिख रहे हैं कितने होंगे यार हाथ पे गिन लोगे बारह तेरह होंगे जो अभी मूव किए होंगे रिसेंटली तीन लाख से ज्यादा लोगों ने मूव किया है वो कौन थे कंटेंट क्रिएटर थे इन्हीं के चाचा मामू ताया होंगे दोस्त होंगे तुम्हारे खानदान में होंगे लोग यार वो उनसे पूछो क्यों माइग्रेट कर रहे हो क्यों बगावत कर रहे हो क्यों धोखा दे रहे हो पाकिस्तान को क्यों पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहे ऐसे मुश्किल हालात में उनसे पूछो ना यूट्यूबर बारह तेरह हैं उनसे पूछो ना सब बैठ के खैर फिलहाल हम लोग तो यहीं पर बैठे हैं हम भी यहीं पर बैठे हैं दोनों यहीं पे बैठ के बातें कर रहे हैं आपसे बट हम उनके मूव होने की जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि सिर्फ वही नहीं मूव हुआ और भी बहुत सारे लोग हैं बहुत सारे कंपनीज में जाओ अच्छी अच्छी पोस्ट पे बैठे हैं पाँच पाँच लाख सैलरीज हैं वो जाके कोई सऊदी रियाद में मूव हो गया वहाँ पे जॉब कर रहा है कोई दुबई मूव हो गया और कोई कनाडा कोई फलाना कोई इसी तरह लोग जा रहे हैं क्यों जाहिर सी बात है आपका मेंटल पीस नहीं है सिक्योरिटी यहाँ पर बिल्कुल नहीं है इस पर काम करना है सही मज़बूत हो जाएंगी तो आप ही जाएंगे वापस कोई मसला नहीं है